हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कल गई थी मार्केट और मार्केट से लेके आई थी साग। तो ये मैं अभी चुन रही हूँ साग, उसको फ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है साग को फ्रेश करना। बाबू आ चुका था स्कूल से अब, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा इन लोग को फास्ट कर दिया गया है, तो ये समय से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि आ जाता है। अगर मैं काम करती रहती हूँ और ये पहुँच जाता है, और अपनी दीदी से डिस्कस कर रहा है रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट वो शो कर रहा है, दीदी से बातें कर रहा है। आने के बाद उसे कुछ रिपोर्ट कार्ड वगैरह मिल गया था, पिछले ईयर का नहीं मिला था तो इस बार मिल गया था, दोनों ही साथ में। तो किलो प्रति कितना हो गया तुमको? चलो दिखाओ तुम अपना। आज हमको मेरा 1 और 2 क्लास का रिपोर्ट कार्ड मिला हमें। तो मेरा 1 में आउटस्टैंडिंग है 1 क्लास वाले में, और 2 क्लास वाले में भी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, तो ओवरऑल मार्क्स मेरा आउटस्टैंडिंग है। और जो एक्टिविटी वगैरह होता है ना, डांस एक्टिविटी वगैरह, उसमें मेरा A+ है सब में। अच्छा, वेरी गुड। वेट वेट पूछिए, वेट बताओ, वेट 20 वेट बताओ 20 ठीक। खाना वगैरह खाना है, अच्छे से दूध पीना है, ग्रीन वेजिटेबल तो खाना नहीं है। आलू खाना है तुमको क्या? आलू भुजिया, आलू चोखा, आलू दम, आलू ये, आलू वो, तो आलू जैसा बनो कम से कम। आलू टिक्की तो तुम आलू टिक्की बन गया है क्या? आलू टिक्की जैसा रह गया तुम तो। ये देखिए, मैं लंच रेडी करने के लिए किचन में आ गई थी, और रात में मैंने ये चना दाल भीगने के लिए डाला था पानी में, और इसमें लहसुन अदरक मिर्ची वगैरह जो भी होता है मैं साथ में ही डाल करके इसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है आज प्याज पकोड़ा। बच्चों का बहुत मन हो रहा था, तो ये देखिए मैं प्याज पकोड़ा के लिए ये चना दाल को पीस रही हूँ, और इसको पीस के रेडी कर लेती हूँ मैं पहले। ये मैं चना दाल इसलिए पीस रही थी क्योंकि मेरे पास बेसन अवेलेबल मेरे पास नहीं था घर पर, मैंने देखा तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था। तो मैंने रात में दिमाग लगाया कि चना दाल मेरे पास है तो मैं चना दाल से ही उसको रेडी कर लूँगी। तो ये प्याज वगैरह कटिंग करने लगी थी मैं, और इसमें ना कुछ ज़्यादा ही प्याज का ज़रूरत पड़ता है, करीबन 250 से 300 ग्राम तक मैंने प्याज लिया था। और ये देखिए, प्याज को पहले मसलना रहता है, एक एक पार्ट्स में उसको करना रहता है कटिंग के बाद। तो उसके बाद ये भुजिया बनना था परवल का, तो मैं उसको कटिंग कर लेती हूँ। ये एक मेरे पास आयरन की कढ़ाई है, तो इसको मैं जब जब रगड़ के धोती हूँ ना, तो इसको सीजनिंग करना रहता है, तो इसमें मैं ऑयल को कपड़े में लगा करके उसको सीजनिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह उसमें बनाना पसंद करती हूँ, तभी ये नॉनस्टिक का काम करता है। तो ये देखिए, मैंने साथ ही साथ सारे कामों को एक साथ कर लिया है, जैसे साग कटिंग और ये बेसन वगैरह जो भी था मेरा रेडी कर लिया था, परवल कटिंग हो गया था, कढ़ाई सीजनिंग हो गया था, तवा सीजनिंग हो गया था, लहसुन अदरक का पेस्ट भी मुझे बनाना था तो मैंने वो भी रेडी कर लिया था। देखिए, मेरा पकौड़ा बन के रेडी हो चुका था, और इतना टेस्टी बना था कि बच्चे एकदम खुश हो गए खा करके।
दोपहर का लंच मेरा रेडी हो चुका है। मैंने आज कुछ इस तरीके से अपना लंच को रेडी किया है, देखिए आप लोग और आ जाइए हमारे यहाँ, इंजॉय करते हैं मिलके। बाबू टेस्टी है ना? नहीं बहुत टेस्टी। करीबन ये 3 बजे का क्लिप है। मैंने किरण को भी रेडी सेडी करके उसको ट्यूशन के लिए भेज दिया था, ऑटो में बैठा करके आ गई। उसके बाद मैंने कुछ अपना भी काम कर लिया है, स्टिचिंग वगैरह का मेरा कुछ कुछ काम रहता ही है, तो मैं खाली थी तो अभी थोड़ा सा कुछ कटिंग वगैरह कर रही थी। फ्रिल कटिंग करना था मुझे, तो वही फ्रिल कटिंग मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ अभी। डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो मैं बनाती हूँ बस उसके पर्पज़ में इसको कटिंग करके रख ले रही थी, क्योंकि एक साथ सारे कामों को मैं स्टिचिंग वाला जो होता है वो सब नहीं हो पाता है। अगर प्लेन वगैरह ब्लाउज कटिंग करना रहता तो साथ ही साथ मैं कर लेती हूँ, बट डिज़ाइनर तो नहीं हो पाती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है, करीबन 9 बजे का टाइमिंग है। शायद आपको मेरे वॉच में दिख रहा होगा। और मैं गई थी मार्केट, मार्केट से मैं जैसे घर आती हूँ, घर आने के बाद मैंने अपना बच्चे का तबीयत ख़राब देखा घर आते ही। ये देखिए यहाँ बेटी मेरी कोमल, इसको आज तबीयत ख़राब हो गया है। ये लड़की पानी नहीं पीती, इसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है, वोमिटिंग कर रही है। और ये देखिए मैं जैसे घर आई उसके बाद इसको लेकर के चली गई फिर से सडनली वो होम्योपैथिक के यहाँ, होम्योपैथिक से दवा वगैरह दिलवा करके अभी लाई हूँ। तो कहाँ है दवाई तुम्हारा? अच्छा, तुम लोग इतना दवाई को भी ऐसे करके रखेगी तो फिर खोजने में तो 3 दिन लगेगा। ये देखिए इसका दवाई, ये होम्योपैथिक दवाई ही खाती है। अभी कैसा लग रहा है? और वोमिटिंग लग रहा है? अभी तक तुरंत 3 बार कट चुकी है। अब मुझे ये रात भर टेंशन देने वाली है कि मतलब ये सोएगी नहीं, बस लटकते रहेगी मम्मी मम्मी करके और तंग करेगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से और मैं आगे वीडियो कंटिन्यू आज नहीं करूँगी। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।